आज हम एक मैथ्स की ट्रिक जानेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करें विद इन अ फ्यू सेकेंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है। एक पहला टेबल है और एक सेकेंड टेबल है। सिर्फ आपको ये जानना है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो भी हो उसके ऑपोजिट में क्या लिखना है, उसके अंदर क्या लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3375। ओके, 3375, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे कि इसके लास्ट डिजिट क्या है, और यहाँ पे चेक करना है कि इसके लास्ट डिजिट में उसके सामने वाला कौन सा डिजिट है, लास्ट डिजिट के अंदर क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 4 5 6 9। अगर 1 होगा लास्ट में तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, अगर यहाँ पे 4 होगा तो 4 लिखेंगे, 6 होगा तो 6, 9 होगा तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। और अगर लास्ट डिजिट 2 है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, और 3 होगा तो 7 लिखेंगे, अगर 7 होगा तो 3 लिखेंगे, 8 होगा तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3375, तो 3375 लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो उसके वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे भी 5। ओके, अब क्या करना है कि जो लास्ट 3 डिजिट है उसको निकाल देना है, उसको नहीं कंसिडर करना है, ये वाले पार्ट को हम कंसिडर करेंगे। अब क्या चेक करेंगे कि ये जो डिजिट है इससे पहले उसका परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर का आ रहा है। तो इससे पहले परफेक्ट क्यूब किसका आ रहा है, 1 का आ रहा है। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब का 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, 1 2 1 6 7। ओके, अब ये लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 7, तो 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल से 3 लिख देंगे। उसके बाद में ये 3 डिजिट को निकाल देना है, लास्ट डिजिट कोई भी नंबर उसके लास्ट 3 डिजिट को निकाल देना है, और ये दो डिजिट यहाँ पे हमारी बची हुई है 12। तो इससे पहले परफेक्ट क्यूब किसका आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 का क्यूब क्या है, 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ओके, और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, 1 1 7 6 4 9, बहुत बड़ा डिजिट है, तो 9 है लास्ट डिजिट, तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। ये 3 डिजिट को निकाल दो, ये 3 डिजिट बाकी रही, तो इससे पहले इसका परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर आता है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे 64, 4 क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल 4। ओके, 1 1 7 5 क्यूब नहीं लिख सकते क्योंकि ये 125, ये 117 है, तो 117 से पहले परफेक्ट क्यूब किसका आ रहा है, 4 का आ रहा है, तो हम लिख देंगे 49। देखो यहाँ पे 64 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4। उसके बाद में और एक लास्ट डिजिट लिख देते हैं, 7 0 4 9 6 9, लास्ट डिजिट क्या है, 9। ये 3 डिजिट को निकाल दो, ये 3 डिजिट बाकी रही, 704। इससे पहले किसका परफेक्ट क्यूब आता है, 7 7 2 9 नहीं आएगा, 512 आएगा, तो 51 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको सिर्फ ये टेबल याद रखना है, उसके बाद में लास्ट डिजिट को निकालना है, 3 डिजिट को निकालो, इससे पहले किसका परफेक्ट क्यूब आता है वो निकालो, ये हो गया आंसर।